ड्यूरिंग लॉकडाउन हम काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज बना रहे हैं, तो वो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ जो है फूड एंड स्टे इंडिया करके, जो मैंने अभी बनाया है, और उसको ओवरऑल वाइफ देख रही है। तो जिनको भी ऐसी कुछ डिशेज वगैरह के बारे में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज थोड़ा सा लुक आपको चेंज लग रहा है, मैंने आज पग बांधी है, और यह है वट्टा वाली पग जो दिलजीत दोसांझ बांधते हैं। मैंने नहीं बांधी, एक्चुअली वाइफ ने बांधी है, उनको आती है सारी पग बांधनी। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा हाईवेज़ को लेके। हाईवेज़ मतलब कुछ मेरे साथ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जिनके वजह से मतलब मैं बाल बाल बचा बहुत बड़ा हादसा होते हुए। और ये मतलब स्टार्टिंग टाइम में हुई थी जब मैंने नैनो ली थी, तो नैनो के साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन से मैं गुजरा था जो मतलब मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं 1 सेकेंड भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी चूकता तो काम का तमाम हो सकता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसका मेन रीज़न शेयर करने का ये है सो दैट आपको कभी ऐसा मतलब ना करें, आपके साथ में कभी ऐसा ना हो तो आप पहले से उस चीज़ के लिए अलर्ट रहें। मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें फेस की, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई मुझसे ड्राइविंग के टाइम पे अपनी लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप उनको अवॉइड कर सकते हो इनकेस आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो या हाईवे पे जा रहे हो, कहीं भी मतलब ड्राइव कर रहे हो गाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और होप करता हूँ सभी बिल्कुल सेफ होंगे घर पे। तो सबसे पहले जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा आपको आपके साथ में नैनो को लेके, जब मैं गया था सरिस्का जंगल, और 4 लेन हाईवे था वो, डबल था, तो उस पर मतलब बहुत ही अच्छा हाईवे था। मैं जा रहा था, सडनली 1 महीना भी नहीं हुआ था उस टाइम नैनो को लिए हुए, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था ड्राइविंग का, बस ये था कि हाँ गाड़ी चलानी आती थी। तो सडनली हम जा रहे थे, अचानक बिल्कुल बात करते हुए आराम से, और ये तिजारा क्रॉस करने के बाद में बीच में डिवाइडर था, बातों बातों में मैं वाइफ के साथ बात करता हुआ जा रहा था। नई गाड़ी थी तो खुश की खुशी भी थी कि अब गाड़ी से हम घूमने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे, 26 जनवरी का दिन था ऊपर से। तो सडनली क्या हुआ, मेरी गाड़ी ना डिवाइडर आगे जाके रोड घूम रहा था, और रोड जब घूम रहा था कर्व ले रहा था, मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, गाड़ी सीधी जा रही है, और जाके डिवाइडर से अगला पहिया उसका टकराया, जो एकदम से गाड़ी मतलब दूसरे कोने पे पहुंच गई। वो एकदम जैसे झटका लगा तो गाड़ी पूरी उधर घूम गई दूसरी तरफ, 80 की स्पीड थी। तो जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया कि गाड़ी रोड से नीचे ना गई, तो बच गया बस बाल बाल, हम तीनों थे, बेटा मैं और वाइफ, तो गाड़ी रोड से नीचे नहीं गई। अगर गाड़ी रोड से नीचे जाती तो पलटी नहीं थी, क्योंकि नीचे साइड में बहुत गहरा था, खेत था और बहुत गहरा था वो। और ये भी अच्छा हुआ कि उस टाइम पे साइड में कुछ और नहीं चल रहा था, कोई मुझे ओवरटेक नहीं कर रहा था, तो उस टाइम मतलब पता नहीं था कि मुझे कौन सी लेन में गाड़ी चलानी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हो जाती हैं उस टाइम पे। तो मैंने बस उससे ये सबक ले लिया कि आज के आगे से गाड़ी चलाऊंगा भी अगर ओवर इस लेन में, तो उस लेन में मतलब डिवाइडर से बचा के चलानी है, अगर 4 लेन हाईवे है तो, अगर 6 लेन हाईवे है तो मिडिल लेन में लेके जानी है गाड़ी, कहीं ओवरटेक करना है तभी उधर जाना है। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, और उसके बाद वो कभी मिस्टेक मुझसे दोबारा हुई नहीं कि डिवाइडर से मेरी गाड़ी दोबारा टकराई हो। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रख सकते हो। तो सेकंड एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा, मैं जा रहा था जैसलमेर, नाइट में ड्राइव कर रहा था, और नैनो से ही था उस टाइम पे भी। तो जब दिल्ली से जयपुर का जो हाईवे है बहुत बिजी रहता है, बहुत ट्रक चलते हैं उस पर, और नाइट में था तो लाइट मतलब गाड़ी की थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, सामने से चकाचौंध आ रही थी। अब जब मैं अपनी स्पीड से मिडल लेन में जा रहा था बिल्कुल, अब जैसे ही एक ट्रक मेरे आगे साइड से निकला,
जो मतलब सामने से सा आ रहा था, तो मुझे मतलब थोड़ा सा चकाचौंध सी लगी, तो मैंने अपना एक्सीलेटर हल्का स्लो कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अवॉइड करना चाहा और दूसरी तरफ हल्का सा नज़र करी, बट सडनली मेरी गाड़ी के सामने मैंने देखा कि ट्रक का टायर पड़ा हुआ है पूरा। उस टाइम मुझे मतलब ये समझ में नहीं आया करूं क्या, अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ती तो वो गाड़ी पलटनी पलटनी थी, क्योंकि टायर पे जो है वो एक गचका खाती, गचका खा के वो पलटनी थी नैनो। तो मैंने एकदम से ही ब्रेक के साथ में हल्का सा कट मारा, और कट लेफ्ट की साइड मारा मैंने, ना कि राइट की साइड, क्योंकि राइट साइड से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर आ रहा होगा। उस टाइम मतलब इतना सोचने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने एकदम कट मारा। स्पीड वही थी 80 के, 80 या 80-90 की स्पीड थी। और वो कट मारने के बाद मैंने देखा कि गाड़ी एकदम उससे बच गई, और फिर मैंने एकदम सीधी कर दी, बिल्कुल मतलब लास्ट लेन में आ गया मैं, थर्ड लेन जो होती है, जो बिल्कुल स्लो वाली होती है, उस लेन में आ गया था एकदम। तो वहाँ बस बाल बाल बचा, अगर मैं 1 सेकेंड की भी वहाँ पे देरी करता तो उस ट्रक का जो टायर था उसके ऊपर चढ़नी थी गाड़ी। वो ट्रक का टायर आप जानती हो इतना मोटा होता है, कम से कम 1-1.5 फीट की उसकी मोटाई होती है। तो उस पर अगर गाड़ी, या तो गाड़ी मतलब टूटती है, और गाड़ी अगर उसके ऊपर चढ़ जाती तो फिर वो पलटती। तो यहाँ पे मैं बाल बाल बचा। तो इसका मतलब जब से मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा हर चीज़ पे अलर्ट रहूँगा, और सामने का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, ना कि ये कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर देखने के लिए मैं कई बार चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। अगर नाइट में स्पेशली ड्राइव कर रहा हूँ तो नाइट में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि नाइट में हमें चीज़ें दिखती नहीं दूर से, बहुत क्लियर नहीं दिखती हैं, पास ही जाके हमें पता चलता है कि ये चीज़ आ गई है आपके आगे। तो दूसरा एक्सपीरियंस ये था, यहाँ से मैंने ये सीखा कि अलर्ट होकर गाड़ी चलानी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है गाड़ी चलाते हुए। थर्ड जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना शेयर करना चाहूँगा, जिसमें क्या टोटली मेरी गलती थी, और बट हाँ हुआ सडनली था ये चीज़, जो हमें मतलब मैं मुझे लग रहा था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा लग नहीं रहा था। हुआ क्या था, मैं गांव में गया हुआ था, फ्रेंड की शादी में गया हुआ था, तो गांव के रोड्स थोड़े पतले होते ही हैं, ऊपर से गन्ने के ट्रोले चलते हैं। तो मैं नाइट में आ रहा था शादी अटेंड करके कि चलो जाके अभी घर पे जाऊंगा, घर मतलब वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा 10 किलोमीटर था, तो मुझे लगा कि आराम से पहुँच जाऊंगा, और ड्रिंक कर रखी थी ऊपर से, तो वही मेरी मिस्टेक थी, वहाँ पे मैंने ड्रिंक कर रखी थी। बट हुआ क्या, गाड़ी मेरी जो अगला पहिया था वहाँ पे एक लिप्टिस, आप जानते होंगे सफ़ेदा बोल देते हैं कुछ लोग उसको लिप्टिस बोलते हैं, वो कटा हुआ ना, उसकी टहनियाँ पड़ी हुई थी, और सामने से गन्ने का ट्रोला आ रहा था, तो मैंने उसको साइड देने के लिए उधर की तरफ गाड़ी करी, और वो पहिया अगला टहनी पे चढ़ गया, और वो टहनी पे चढ़ा तो मैंने काफ़ी काटा, दूसरी तरफ वो कट ही नहीं रहा, फिर तो वो सीधा भाग रही थी गाड़ी, और सामने जाके एक पोल था, जो क्या बिजली का पोल लगे होते हैं रोड के किनारे, तो वो रोड के किनारे पोल लगा हुआ था, उसका नीचे वो बना हुआ था सपोर्ट जो होती है जिसमें पोल को हम गाड़ते हैं, सीमेंट की चोकोर, गाड़ी जाके सीधी उसमें टकराई, और गाड़ी का अगले पहिया जो ड्राइवर साइड है वो वाला अगला एक्सल टूट गया, सारा कुछ टूट गया। उसके बाद मैंने देखा उतर के तो गाड़ी के मतलब चलने की कंडीशन में नहीं थी, मैंने सोचा कि टायर चेंज करूंगा, जब मैंने उसके नीचे झाँक के देखा मोबाइल की बैटरी से, रात का टाइम करीब 10-10:30 बजे, और ऊपर से ठंड थी, दिसंबर का टाइम था, दिसंबर मंथ में, तो उसका एक्सल टूट गया था, तो फिर वो मतलब सीधा होना ही नहीं था, मैं टायर भी चेंज करता तो भी कुछ नहीं होना था उसमें। मैंने गाड़ी वहीं पे एक पास में घर था वहाँ तक खींच के ले गया उसको ऐसे ही, और वहाँ लगा के सोया, भाई को फ़ोन किया, तो सुबह फिर ट्रैक्टर से खींच के लेके गए। तो ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करनी है, चाहे गलती आपकी ना हो, लेकिन एक्सीडेंट जब भी होता है फिर गलती आपकी ही होती है, फिर तो मेरी गलती होगी उसमें, अगर मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूँ तो ये कभी नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हाईवे पे ही एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट गांव में भी हो सकते हैं, तो इससे मुझे ये सबक मिला कि यहाँ भी चलाना है, ड्राइव करते टाइम ड्रिंक तो करनी ही नहीं है, ये मेरी गलती थी, और उसके बाद से मैंने कभी जब भी की मैंने ड्रिंक नहीं की, या तो मैं गाड़ी वहीं पर छोड़ देता था अगर मैंने कहीं ड्रिंक की है तो, कि नहीं मैं जाऊँगा ही नहीं अब, या फिर ड्रिंक नहीं करता था, मतलब दोनों में से एक चीज होती थी।
तो होप करता हूँ इस आप भी नहीं करोगे ऐसा कुछ. मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट भी की और घर वालों से काफ़ी डांट भी पड़ी उस टाइम पे. इसके बाद चौथी गलती है जो मैंने की थी, उसमें मैं गलती नहीं मानूंगा, उसमें मैं मतलब एक सडनली इंसिडेंट हुआ था, जो नैनो का एक्सीडेंट हुआ था जब मैं जा रहा था हिमाचल की तरफ और सुबह का टाइम था. तो सुबह के टाइम में क्या, उस टाइम पे दिन भी निकल रहा था और हल्का सा मतलब जो उस टाइम पे फोग सा आ जाता है, हल्का हल्का सा मतलब सामने का धुंधला सा हो जाता है, जैसे दिन निकलना होता है उधर से रात होती है, तो हल्का हल्का सा उस टाइम पे विजिबिलिटी कम हो जाती है. और वहाँ पे भी यही हुआ था, सामने से लाइट आई तो आगे का मुझे ब्लैंक हो गया, बिल्कुल देखना मतलब सामने कुछ दिखा ही नहीं. और सडनली सामने से गाय भाग के आ गई एकदम गाड़ी के, तो एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी मतलब नुकसान हुआ था उसमें तो गाड़ी का. और काफ़ी दिन के बाद फिर गाड़ी ठीक होके मिली थी, तो लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आई थी. सबसे अच्छी बात यह है, जितनी बार भी एक्सीडेंट हुआ मेरा, जितनी बार भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कोई भी मिस्टेक करी, मुझे आज तक खरोंच नहीं आई, ना ही मेरी फैमिली में किसी को, बेटा भी साथ में था इस बार, तो ये अच्छी बात थी. तो ये कुछ चीज़ें थी जो हाईवे पे आपको भी अवॉइड करनी चाहिए, और हाईवे के ड्राइविंग के टाइम पे ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. होपफुली नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा हाईवेज की डिटेल, कौन कौन से हाईवे पे मैं गया हूँ और कहाँ कहाँ पे हाईवे टूटे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हाईवे अच्छे हैं, तो मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करूँगा. तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.